didn't even get to run. आप देख रहे हैं मसल्स ऑन व्हील्स। सो गाइस, आज की वीडियो दोबारा बना रहा हूँ एक मसल इंबैलेंस के ऊपर। तो काफ़ी लोग अभी मेरे से पूछ रहे हैं मसल इंबैलेंस के ऊपर भी, 4 से 5 लोग मुझसे अभी पिछले हफ्ते पूछ चुके हैं कि भैया मसल इंबैलेंस है, इतना वेट है, इतना ये है, तो ये कैसे ठीक हो सकता है और ठीक हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो मसल इंबैलेंस की प्रॉब्लम हमारे इंडिया में 80% लोगों को होती ही होती है। बहुत लोगों को नहीं पता होता कि उनको मसल इंबैलेंस है। किसी का हाथ होता है, किसी की चेस्ट होती है, किसी का शोल्डर होता है, किसी की बैक होती है, कहीं कहीं लोगों की तो उंगलियां तक होती हैं ऊपर नीचे, कहीं उन लोगों के पैर में फ़र्क होता है। तो ज़्यादातर जो फ़र्क आता है लोगों की चेस्ट में आता है, शोल्डर्स में, ट्रैप्स में आता है और आर्म्स में होता है। कोई जैसे लेफ्ट राइट वाले आर्म की पीक ज़्यादा होगी बाइसेप की और लेफ्ट वाले की कम होगी, या ट्राइसेप्स का जो लेटरल हेड होता है वो लंबा होगा, दूसरे वाले का छोटा होगा, तो ऐसा रहता है। तो मसल इंबैलेंस को ठीक करने के लिए कोई ये नहीं होता कि कभी ठीक नहीं होता, ये ठीक हो सकता है। इसके लिए आपको बल्किंग करनी पड़ेगी, गेनिंग करनी पड़ेगी। तो जितना आप बल्क कर सकते हो अपने आप को, इतना आप गेन कर सकते हो। एक राइट वे में आप उसको गेन करो और उसमें जो एक्सरसाइज मूवमेंट्स रहती हैं उसमें आप सिंगल सिंगल मूवमेंट्स को ज़्यादा ट्रेन करो और कंपाउंड मूवमेंट्स भी आप हफ्ते में ट्रेन करो। जैसे आपने शेड्यूल बना लिया 1 महीने का, तो 1 महीने आपने फ्लैट बेंच लगाई, फ्लैट बेंच पे हैवी आप गए, बेंच प्रेस मारी, उसके साथ आपने डेडलिफ्ट लगाई, उसके साथ आपने शोल्डर प्रेसेस लगाई, उसके साथ आपने स्क्वाट्स लगाए, ये कंपाउंड मूवमेंट्स होंगे आपकी। ये पूरा हफ्ता यही चलाओ, 5-5 रैप 5 सेट, 10-10 रैप 5 सेट, तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे वेट बढ़ाते रहोगे रैप कम करते रहना। तो जो दूसरी चीज़ रहेगी उसमें क्या रहेगा, सिंगल सिंगल एक्सरसाइज रहेगी। जैसे आपका बाइसेप आपको लगता है कि वीक है, तो आप सिंगल सिंगल ऐसे डंबल, ठीक है, 15-15 रैप, फिर वेट बढ़ा के थोड़े रैप कम करते रहो, 5 सेट हैमर ऐसे सिंगल सिंगल, ठीक है। तो बाय जो होती है सिंगल सिंगल जो डंबल मूवमेंट होती है आपने वो करनी है। जैसे आप चेस्ट करते हो तो चेस्ट में इंक्लाइन पे डंबल, फ्लैट पे डंबल, डिक्लाइन पे डंबल, सिंगल फ्लाइज, बैक की करते हो तो बैक की सिंगल लैट पुल डाउन, फिर सिंगल क्लोज ग्रिप डी से, फिर सिंगल सिटी ड्रॉइंग, तो आप ये कर सकते हो। शोल्डर में सिंगल शोल्डर प्रेसेस, सिंगल साइड रेज, सिंगल फ्रंट रेज, सिंगल श्रग्स प्लेट से अपराइट और उल्टी बटरफ्लाई, आप रिवर्स बटरफ्लाई कर सकते हो। ट्राइसेप्स में भी ऐसे सिंगल एक्सरसाइज आप पुली पुश डाउन कर सकते हो, रिवर्स पुली कर सकते हो, सिंगल हैंड कर सकते हो, ओवर हैंड कर सकते हो, तो सारी एक्सरसाइज। लेग्स की अगर आपकी वीक है तो सिंगल आप लेग प्रेस कर सकते हो, टेढ़े होके आप लेग एक्सटेंशन कर सकते हो, लेग कर्ल कर सकते हो, काफ़ी सारी एक्सरसाइज है। मगर आपको फिर सिंगल सिंगल को ही ट्रेन करना है। अगर इस हाथ से ट्रेन कर रहे हो तो इस हिसाब से पहले आपने रैप सेट करना है और कंप्लीट करना है और इसी हाथ पे खत्म करना है, फिर इस हिसाब से करना है, ठीक है। सो गेनिंग पे ध्यान दो और ऐसी ऐसी वर्कआउट पे ध्यान दो तो आपको 110% रिजल्ट्स मिलेंगे। और मेरे बहुत से लोगों के जो मसल इंबैलेंस है वो ट्रीट करे हैं और ठीक हुए हैं। अभी भी एक लड़का है, उसका भी मसल इंबैलेंस था, चेस्ट छोटी बड़ी थी और शोल्डर ऐसे था, तो अभी उसका एकदम ठीक हो चुका है। उसकी भी ट्रांसफॉर्मेशन फोटो इंस्टाग्राम पे आ जाएगी, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखना। मुश्किल से अभी 50 दिन हुए हैं और उसका 12 किलो वेट बढ़ गया, तो वो भी साम से यूज़ कर रहा है MK677 LGD और रेड, और 12 किलो से 15-13 किलो तो उसको वेट बढ़ गया और बहुत अच्छी मसल मास ने गेन कराया और चेस्ट का जो भी शोल्डर इंबैलेंस था एकदम बराबर हो गया, ठीक हो गया। तो ये क्योर हो सकता है, ठीक हो सकता है, बस आपको राइट गाइडेंस की ज़रूरत है। और जो मैंने चीज़ें इस वीडियो में बनाई एक बार आप फॉलो करके देखना, आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, आपको पंप भी अच्छा आएगा। तो नई ट्रेनिंग जब भी आप करोगे पंप हमेशा अच्छा ही आता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को कर दो लाइक, कमेंट में कुछ पूछना है तो पूछ लो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब।